हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको टेस्टिंग पिक्चर ट्यूब का ऊपर ये जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर आपको देखूंगा कि कुछ भी सीआरटी टीवी की आप एक ही पिक्चर ट्यूब के अंदर टेस्ट कर सकते हो। आप नॉर्मल पीसी भी हो सकता है, अल्ट्रा स्लिम पीसी भी हो सकता है, 14 इंची टीवी का पीसी भी हो सकता है, 15 इंची हो सकता है, 17 इंची हो सकता है, ठीक है, कुछ भी 21 इंची हो सकता है, 29 इंची हो सकता है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है। आप एक ही पिक्चर ट्यूब का अंदर टेस्ट कर सकते हो, इसी का ऊपर ये वीडियो है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर ट्यूब है ये 15 इंची सीआरटी मॉनिटर का एक पिक्चर ट्यूब है, ठीक है, ये 15 इंची सीआरटी मॉनिटर का एक पिक्चर ट्यूब है। आप ज़रूर देखा होगा, मैं बहुत वीडियो बनाया, बहुत वीडियो के अंदर मैं अलग अलग जो पीसीबी पार्टी का घर से ओपन करके लेके आता हूँ, ये पिक्चर ट्यूब के अंदर मैं टेस्ट करता हूँ। और जो अलग अलग टेक्नीशियन मेरा पास पीसीबी भेजता है, तो वो पीसीबी मैं ये पिक्चर ट्यूब का अंदर टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हो मेरी टेबल का अंदर ये जो पिक्चर ट्यूब है। तो दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब जो है, इसका अंदर एक खासियत है कि इसका अंदर मैं एक चॉपर यूज़ किया, इसी का बजाय मैं ये पिक्चर ट्यूब के अंदर कुछ भी पीसीबी का आसानी से टेस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको बहुत क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि ये आप खुद ही बना सकते हो, मतलब ये जो पिक्चर ट्यूब है आप पुराना ओल्ड सीआरटी मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब को कन्वर्ट करके ये जो सिस्टम है ये बना सकते हो। तो मॉनिटर का जो योग होता है, इसी तरह जो योग रहता है, योग को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका ऊपर मेरे चैनल का अंदर बहुत वीडियो है, 4-5 वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, मैं दो एक लिंक देख के दे दूंगा, ठीक है। और उसका बाद आपका पास पुराना मॉनिटर नहीं है तो आप जो मार्केट का अंदर लोकल टीवी आता है, जो चाइना की यूज़ करने वाला जो टीवी आता है, उसका अंदर इसी तरह, ठीक है, 15 इंची पिक्चर ट्यूब देखेगा तो आप वो पिक्चर ट्यूब को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मॉनिटर जो पिक्चर ट्यूब होता है उसका अंदर ये जो एक कॉइल है, एक कॉइल का ऊपर इसी तरह एक पीसीबी देखा जाता है, ठीक है, बट ये चॉपर देखने को नहीं मिलेगा, इसी तरह एक पीसीबी देखा जाता है। तो ये पीसीबी देखने के बाद ये पीसीबी का आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल्स क्लियर करके बताऊंगा। हो सकता है आपके पास इसी तरह पिक्चर ट्यूब नहीं है, अब नॉर्मल जो एक कॉइल होता है, ठीक है, नॉर्मल एक कॉइल पिक्चर ट्यूब आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट उसका अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरा हिसाब से जो देखा कि ये जो मॉनिटर ट्यूब है, ये 15 इंची वाला जो मॉनिटर ट्यूब है, इसका अंदर मैं सब कुछ भी से भी टेस्ट करता हूँ। तो किस तरह मैं टेस्ट करता हूँ आप भी ये कर सकते हो। और ऑलरेडी एक व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि सर टेस्टिंग पिक्चर ट्यूब का वीडियो बना दीजिए, और बिग नेक वाला और स्मॉल नेक वाला। तो दोस्तों ये बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब है, आप यहाँ पर स्मॉल नेक भी बेस बोर्ड आप टेस्ट कर सकते हो। इसी तरह सब कुछ आपको बताऊंगा, और उसका पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जो ये कॉयल है, ये कॉयल मार्केट के अंदर अलग मिलता है, जो 17 इंची जो मॉनिटर पिक्चर ट्यूब होता है उसका अंदर जो पीसीबी रहता है, अधिकतर वो पीसीबी का ईएसटी का पास ये कॉयल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मार्केट का अंदर मिल जाता है, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, बड़ दोस्ती हर जगह पर नहीं मिलता है, तब भी आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और अब मार्केट के अंदर ये जो चॉपर कॉइल ये नहीं मिलेगा, तो बहुत टीवी के अंदर हो सकता है ये मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपको एक ओनली वन पीस ये ज़रूरत पड़ेगा, ओनली टेस्ट करने के लिए आपके पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा पास एक पुराना वाला कॉइल है, इसका सिस्टम क्या है, इसका एक साइड कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता है, ये अलग सा मार्केट के अंदर देखा जाता है, ये कोई पावर सेक्शन का चॉपर नहीं है, ठीक है, जो सीआरटी पीसीबी के अंदर पावर सेक्शन के अंदर चॉपर देखा जाता है वो ये चॉपर नहीं है, इसका एक साइड कनेक्शन रहता है, और ये सब जो कॉयल कनेक्शन है ये सीरीज रहता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसका सीरीज कनेक्शन शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पिन का अधिकतर देखा जाता है, ठीक है, 7 पिन का कॉयल देखा जाता है, ये सीरीज कनेक्शन रहता है, एक ही कॉयल इसका अंदर कनेक्शन रहता है, ठीक है, एक ही वायर। तो इसी तरह ये जो कॉयल है इसका अंदर भी पिन आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए
फर्स्ट ये जो हॉरिजेंटल का रेड रेड पॉइंट है, ठीक है, रेड पॉइंट को आपको ये 3 नंबर पॉइंट पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बाएं साइड है इसका एक पिन को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बाएं साइड जो पिन है, ये पिन का साथ जो रेड वायर है, ये रेड वायर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो वायर है इसका अंदर देखिए रेड और ब्लू वायर है जो पीसीबी का साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ भी पीसीबी हो सकता है, ये हॉरिजेंटल का रेड वायर है और ये ब्लू वायर है। और ब्लू वायर का कनेक्शन कहाँ पर है, ये जो ब्लू वायर का कनेक्शन, ये जो चॉपर कॉयल का ये लास्ट पॉइंट पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्वांटिटी चेक करेगा तो यहाँ से यहाँ तक भी क्वांटिटी देखने को मिलेगा। कुछ भी पॉइंट पर क्वांटिटी चेक करेगा तो सभी पॉइंट का अंदर क्वांटिटी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट का जो कनेक्शन आप देखिए, ये कॉयल कनेक्शन, ये जो योक कॉयल है, योक कॉयल का जो ब्लू पॉइंट होता है, देखिए ये जो ब्लू पॉइंट इसका साथ कनेक्शन है, ठीक है, ये जो ब्लू पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन है। मतलब ये जो वायर है ये डायरेक्ट ये कॉयल का अंदर जो योक कॉयल है, योक कॉयल का पास चला गया और यहाँ से ओनली एक शॉर्टिंग ये कॉयल का अंदर है जो चॉपर कॉयल है, और कुछ भी कनेक्शन इसका अंदर नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही कनेक्शन है और कुछ भी कनेक्शन इसका अंदर नहीं है। और जो वर्टिकल का ये जो वायर है, ठीक है, ये दोस्तों आप देख सकते हो चारों वायर है, और वर्टिकल का ये जो येलो और वाइट वाला वायर है दोस्तों, ये येलो वाला डायरेक्ट ये योक कॉयल का अंदर कनेक्शन है, ये चॉपर का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और वाइट वाला ये साइड है, ठीक है, ये साइड, तो ये साइड मतलब जो वर्टिकल का पॉइंट होता है वहाँ पर ही कनेक्शन रहता है। और ये कॉयल का और कुछ भी कनेक्शन नहीं है। मैं अलग सा इस तरह मैं टाइट किया, आप देख सकते हो इस तरह टाइट किया, और इसका नीचे मैं ये ऊपर प्लेन रख दिया, ठीक है। ये कुछ भी पॉइंट के साथ कनेक्शन नहीं है, ये ओपन पॉइंट है, ठीक है, ये ओपन पॉइंट है बस। इसका अंदर बट इसके अंदर पिन देखा जाता है, और इसी तरह जो चौपल इसका अंदर पिन नहीं है, पर दोस्तों इधर कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता है इधर, ठीक है। तो ये योक कॉयल का कनेक्शन है, ठीक है, और कुछ भी चेंजिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट का 3 नंबर पॉइंट पर ये कनेक्शन आपको दिखाया, ठीक है, ये जो पॉइंट है आप थोड़ा इधर करके कनेक्शन करेगा तो पिक्चर थोड़ा और बड़ा होगा, यहाँ पर कनेक्शन करेगा तो पिक्चर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये रेड पॉइंट को, ठीक है। इसी तरह आप टेस्ट कर सकते हो, और ये रेड पॉइंट को आप ये सेकेंड पॉइंट पर लगाएगा तो पिक्चर और छोटा हो जाएगा। इसी तरह इसका सिस्टम है। तो योक कॉयल कनेक्शन के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों इसी साथ मैं बताना चाहता हूँ, आप अल्ट्रा स्लिम पीसीबी टेस्ट करेगा तो इसका अंदर क्या होगा, अल्ट्रा स्लिम पीसीबी को टेस्ट करेगा तो इसका अंदर कि पिक्चर थोड़ा बड़ा देखा जाएगा, मतलब फट जाएगा, और पिक्चर का जो कलर क्वालिटी वो सही नहीं दिखाएगा, थोड़ा फट जाता है। बट दोस्तों आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ओनली अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होगा तो। और अदर्स पीसीबी टेस्ट करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, सब कुछ पिक्चर ओके दिखाया जाएगा। हो सकता है कोई वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल का हाइट थोड़ा हाई हो सकता है, वर्टिकल का हाइट थोड़ा कम हो सकता है, इसी तरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट अब पिक्चर का क्वालिटी जो RGB कलर होते हैं सब कुछ आप ओके टेस्ट कर सकते हो ये पिक्चर ट्यूब का अंदर, ठीक है। और उसका साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये बिग नेक वाला बेस है, ठीक है, तो बिग नेक वाला बेस तो दोस्तों 15 इंची आपको बताया। इसका अंदर देखिए एक फोकस पिन है, ठीक है, तो डबल फोकस पिन वाला बेस होगा तो, ठीक है, आपका पास हो सकता है डबल फोकस पिन वाला बेस जो चाइना का अंदर रहता है, तो वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसका ऊपर भी मेरा चैनल का अंदर वीडियो देखने को मिल जाएगा। डबल फोकस पिन भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, सिंगल फोकस पिन तो आसानी से ही टेस्ट कर सकते हो। और उसका बाद जो आता है आपका पास स्मॉल बेस होगा तो दोस्तों ये बड़ा बेस है, स्मॉल बेस होगा तो आपको कैसे टेस्ट करना पड़ेगा, तो इसका अंदर भी आप टेस्ट कर सकते हो। इसीलिए आपको इसी तरह देखिए ये बिग वाला एक बेस है, ये बिग वाला बेस का अंदर आपको इसी तरह वायर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह मैं किया आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसी तरह आपको वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए इसका ये जो फर्स्ट वाला पिन पीछे साइड से पकड़ेगा तो इसका फर्स्ट वाला पिन आपको ओपन रखना पड़ेगा, इसका लास्ट वाला पिन ओपन रखना पड़ेगा। और उसका बाद देखिए ये ब्लू वायर मैं यहाँ पर कनेक्शन किया तो दोस्तों ये बी कैथोड का, और उसका बाद ये जो ऊपर से 2-3 पिन येलो और ब्लैक है ये फिलामेंट का, ठीक है, और उसका बाद ये जो पिन है ये रेड वायर जो कनेक्शन किया ये रेड कैथोड का, और उसका बाद ये जो रेड वायर कनेक्शन किया ये G2 का,
और दोस्तों उसका बाद ये जो ग्रीन वायर कनेक्शन किया ये जी कैथोड का, और दोस्तों उसका बाद ये जो पिन है ब्लैक वायर कनेक्शन किया, तो दोस्तों ये नेगेटिव के साथ आपको कनेक्शन काटना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो इसको कैसे काटना पड़ेगा, देखिए इसी तरह बेस को आपको आप कनेक्शन काट दीजिए, ठीक है, आसानी से इसके अंदर कनेक्शन काट दीजिए। काटने के बाद आपका पास हो सकता है स्मॉल बेस, स्मॉल बेस वाला पीसीबी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा पास भी एक ये पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर देखिए, ये जो पीसीबी का अंदर देखिए स्मॉल बेस है। तो इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, तो दोस्तों आपको इसी तरह बेस को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के बाद आपको जो पीछे वाला पिन देखिए, ये जो बेस है इसका पीछे वाला पिन देखिए, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 पिन जो देखा जाता है, ये पिन का साथ आपको ये जो अलग अलग वायर है, ये अलग अलग वायर को कनेक्शन करके टेस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, ड्राइंग देख कर आसानी से कनेक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ड्राइंग करके रखा हूँ, मतलब सिंपल तरीका से कि ये जो ड्राइंग मैं किया ये बेस का पीछे साइड है, कि देखिए ये स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल, ये 7 पिन का, और ये ओवल भी हो सकता है, अल्ट्रा स्लिम भी हो सकता है, और ये बिग मॉनिटर का, ठीक है, जो मॉनिटर आपको देखा है अभी, और दोस्तों ये बिग ओवल और अल्ट्रा स्लिम का, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन, तो ये दोनों कनेक्शन सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो इसका ऊपर मैं एक वीडियो बना के दिखाया, तब भी वीडियो के अंदर थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा। और ये जो पिक्चर ट्यूब को आपको पिक्चर ट्यूब देखा है, इसका कनेक्शन इस तरह करना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि आपको फर्स्ट बात है कि इसका एक नंबर पिन पीछे साइड से देखेगा तो ये ओपन रहता है, और इसका दो नंबर पिन बी कैथोड रहता है, और 3-4 इसका फिलामेंट रहता है। इसी तरह देखिए ये जो बेस है, ठीक है, इसी तरह इसका जो बेस है, इसका एक नंबर पिन ओपन आपको देखा है, दो नंबर पिन बी कैथोड का, मतलब ये जो ब्लू वायर मैं कनेक्शन किया, तो आपको ये बी कैथोड का जो ब्लू वायर है आपको कहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, स्मॉल बेस होगा तो, ये स्मॉल बेस होगा तो आपको ये देखिए बी कैथोड 7 नंबर पिन पर है, ठीक है, अच्छा करके देखिए, तो 7 नंबर पिन पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। देखिए ये जो बेस है, ये बेस इस तरह पकड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पिन है, तो इसीलिए आपको ये जो वायर है, ये वायर को यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। और उसका बाद इसका जो येलो और ब्लैक ये फिलामेंट का, तो ये जो येलो और ब्लैक वाला वायर को, येलो और ब्लैक वाला वायर को आपको कहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो फिलामेंट है ये देखिए 5 और 6 नंबर, ठीक है, 5 और 6 नंबर, तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 पर आपको इसी तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो ये जो अलग अलग इसी तरह आपको पूरा कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करने के बाद ये बेस पिक्चर ट्यूब पर लगाने का जरूरत नहीं है, इसका साथ जो वायर रहता है, इसका वायर कनेक्शन रहता है, तो ये वायर से सप्लाई पिक्चर ट्यूब पर चला जाएगा, पिक्चर ट्यूब को आसानी से टेस्ट कर सकते हो, जो मैं प्रैक्टिकली बहुत वीडियो के अंदर दिखाया। और इसका अंदर ESD का वायर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और G2 का जो वायर है, इसका अंदर जो G2 पिन है, देखिए ये 2 नंबर जो G2 का पिन है, यहाँ पर आपको G2 का वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। ये जो 6 नंबर पिन का अंदर G2 कनेक्शन रहता है, यहाँ से वायर लेके यहाँ पर, मतलब ये जो रेड वाला G2 का वायर है, ठीक है, ये जो रेड वाला G2 का वायर है, ये वायर लेके आपको कहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, देखिए इसका 2 नंबर, स्मॉल का 2 नंबर, देखिए स्मॉल का 1 2, ये 2 नंबर, देखिए ये G2 का पॉइंट है, ये जो PF का पास, यहाँ पर आपको कनेक्शन कराना पड़ेगा। तो आसानी से इसी तरह स्मॉल बेस बोर्ड को भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो स्क्रीन पिक्चर है, ये पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिग और ये जो बिग मॉनिटर, इसका अंदर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पर दोस्तों छोटा सा डिफरेंस है, अल्ट्रा स्लिम और ओवल बिग पिक्चर ट्यूब होगा तो उसका अंदर, ठीक है, उसका अंदर ये 1 नंबर और 2 नंबर पिन सेटिंग रहता है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर पिन सेटिंग रहता है बिग ओवल और अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होगा तो। और बिग मॉनिटर का ट्यूब होगा तो ये जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन शॉर्टिंग नहीं रहता है, इसका 1 नंबर पिन ओपन रहता है, बट इसका G1 और ये जो ओपन पिन, मतलब लास्ट 9 नंबर पिन का साथ ये शॉर्टिंग रहता है, और इसका 9 और G1 पिन का साथ शॉर्टिंग रहता है, ठीक है। अब दिमाग में सेट करके रखता सकते हो, इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बना के दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया, पिक्चर ट्यूब लेके भी दिखाया,
तो दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर ट्यूब आपको देखा है अभी, ये पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव वायर मैं यहाँ पर कनेक्शन किया। ये वायर थोड़ा छोटा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर दो वायर ज्वाइन किया। ठीक है, दो वायर ज्वाइन किया। एक वायर का अंदर ये जैक है, बहुत पीसीबी के अंदर जैक देखा जाता है, जिसका अंदर मैं कनेक्शन कर देता हूँ, और बहुत पीसीबी के अंदर जैक नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए ये वायर को मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह टेस्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।